हमने आपको कल बताया था कि तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में एक ऐसे भूत बनते जा रहे हैं जिनको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, ना तो उनकी पार्टी समझ पा रही है और ना ही उनके विरोधी समझ पा रहे हैं। हालांकि आजकल ये भी कहना बड़ा आसान नहीं होगा कि तेज प्रताप यादव की पार्टी के लोग कौन हैं और उनके विरोधी कौन हैं। आरजेडी के खिलाफ लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं, अपने भाई तेजस्वी यादव से खफा हैं और बीच बीच में राबड़ी देवी मनाने का प्रयास करती हैं, मगर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राबड़ी देवी के जो प्रयास हैं ये विफल हो रहे हैं। कल ही लगा था कि जब ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया था और कि सब कुछ ठीक हो गया है, वो लालू परिवार के खिलाफ नहीं है, वो आरजेडी के खिलाफ नहीं है, उनकी एकमात्र पार्टी आरजेडी है और लालू यादव उनके राजनीतिक गुरु और पिता हैं, उनके साथ वो अन्याय नहीं कर सकते। हालांकि इन सभी के बावजूद आज शिवहर की सीट पर फिर से घमासान होना शुरू हो चुका है, जहां कुछ देर बाद अभी से तेज प्रताप यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें वो एक बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये अनाउंसमेंट क्या होगा, लोग कयास लगा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव आज आरजेडी यानी लालटेन को छोड़कर डीजल पंप सेट यानी कि जेपी जनता दल को थाम सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस पार्टी के तहत वो सारण से अपने ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उतना ही नहीं, शिवहर और जहानाबाद दो सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे आरजेडी के खिलाफ। अब हम आते हैं उन तथ्यों पर जिन तथ्यों के आधार पर ये बातें मीडिया की सुर्खियों में तैर रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने शुरू से ही ये बातें कही हैं। आज से लगभग 6 महीने पहले जब सत्ता और सियासत का संघर्ष चल रहा था, जब संगठन को लेकर तेज प्रताप यादव बहुत एग्रेसिव हो गए थे और ये कहा था कि अपने भाई को मैं अर्जुन बनाऊंगा और खुद मैं कृष्ण बनूंगा, मैं उसे बिहार की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते देखना चाहता हूं और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। हालांकि इसी दौरान ये बातें भी सामने आने लगी कि तेज प्रताप यादव संगठन पर अपना आधिपत्य चाहते हैं, वो चाहते हैं कि संगठन में उनकी चले, मगर पार्टी के कुछ दिग्गज नेता, उनके पिता और खास तौर पे उनके भाई ये नहीं चाहते हैं। आपको पता ही होगा कि कैसे तेज प्रताप यादव ने कुछ दिनों पहले रामचंद्र पूर्वे से, जब सनोज यादव उनके पार्टी के एक कार्यकर्ता उलझ गए थे, तो उनके साथ हाथापाई और गाली गलौज करके उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो ये बातें कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि तेज प्रताप यादव में वो पेशेंस नहीं है, वो क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो अपने संगठन को शांति से चला सके। हालांकि तेजस्वी यादव में सारी खूबियां हैं, मगर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपरिपक्वता दिखाते हुए महागठबंधन के सीटों का समीकरण को यहां से दिल्ली तक उलझाए रखा, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करता है कि तेजस्वी यादव भी क्या लालू यादव की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। यही बातें तेज प्रताप यादव को भी लगती हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है और उनके छोटे भाई को उनके सामने ज्यादा तरजीह दी जा रही है। इन्हीं बातों पर कुछ दिनों पहले लालू यादव के जो फैमिली ज्योतिष त्रिपाठी जी, उन्होंने भी आरोप लगाया था और कहा था कि लालू यादव को मैंने मना किया था कि आप अपने बड़े बेटे को छोटा पद न दें। हालांकि लालू यादव ने मेरी बात नहीं मानी और आज उसी का दंश वो झेल रहे हैं। लालू यादव के राजनीतिक गुरु भी आरजेडी के खिलाफ 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, मगर आज हम बात उनकी नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की, जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव की गैरहाजिरी में अपने आप को लालूवाद का वाहक बता रहे हैं। अब आप उन सीटों पर आइए जहां पे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव आमने सामने हो जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने बस 2 सीटें मांगी थी, पूरे महागठबंधन में पूरे आरजेडी की सीटों में से बस 2 सीटें मांगी थी। इन 2 सीटों पर कौन कौन सी सीटें थी और कौन कौन से उनके प्रत्याशी थे ये पहले समझ लीजिए। जहानाबाद की सीट उन्होंने मांगी थी और शिवहर की सीट मांगी थी। जहां तक खबरें आ रही थी कि सारण से अगर चंद्रिका राय को टिकट मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने खुलकर 2 ही मांगे रखी थी कि एक जहानाबाद की और शिवहर की सीट दे दीजिए, दूसरा उनके ससुर यानी कि चंद्रिका राय को सारण से चुनाव न लड़ाया जाए। हालांकि तेजस्वी यादव और पार्टी ने इन दोनों मांगों को नहीं माना।
जहां सारण से उनके ससुर चुनाव लड़ने की तैयारी में ऑलमोस्ट हैं और चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। और वहीं दूसरी बात की जाए तो पार्टी ने जहानाबाद में अपने प्रत्याशी लगभग तय कर लिया है और शिवहर के प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। तो आरजेडी ने दोनों प्रत्याशियों की घोषणा एक तरह से कर दी है, जहां एक तरफ जहानाबाद से सुरेंद्र यादव का नाम तैर रहा है, वहीं सैयद फैसल अली को शिवहर से टिकट मिल चुका है। अब इन दोनों के खिलाफ कहीं ना कहीं, जहां एक तरफ जहानाबाद से चंद्र प्रकाश को तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ाना चाहते हैं, वहीं अंगेश कुमार को शिवहर से वो अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब इन दोनों मुद्दों पर आप समझ लीजिए, पहले तो तेज प्रताप यादव चाहते थे कि इन दोनों सीटों पर उनके प्रत्याशी हों, मगर ना तो तेजस्वी यादव ने सुना और ना ही मां राबड़ी देवी ने भी इन बातों को सुना। अब तेज प्रताप यादव के पास जो ऑप्शन बचते हैं वो ये है कि उन्होंने एक राजनीतिक फ्रंट का निर्माण कराया, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं बना सकते हैं अभी क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू है। तो उन्होंने एक फ्रंट का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने दिया लालू राबड़ी मोर्चा। इस मोर्चे के ऐलान के बाद ये कयास लगाया जा रहे थे कि तेज प्रताप यादव या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी के साथ वो हो सकते हैं। ऐसे में एक और नाम तैरने लगा जेपी जनता दल का, जिसका चुनाव चिन्ह डीजल पंप सेट है। कहा जा रहा था कि लालू यादव की लालटेन को छोड़कर तेज प्रताप यादव अब डीजल पंप सेट के तहत चुनाव लड़ेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें एक बड़ी घोषणा, यही कयास लगाया जा रहे हैं कि ये हो सकती है कि तेज प्रताप यादव लालटेन को पूरी तरह से छोड़ दें और वो चले जाएं डीजल पंप सेट यानी कि जेपी जनता दल के साथ। लालटेन को अलविदा कहने का तेज प्रताप यादव के पास बहुत सारे कारण हैं। इनमें से सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने दो सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए हामी मांगी थी, मगर आरजेडी ने और उनके भाई तेजस्वी यादव ने उनकी ना सुनते हुए सिलसिलेवार तौर पर जहानाबाद से सुरेंद्र यादव और शिवहर से सैयद फैसल अली को टिकट दे दिया। इसके बाद उनके दो प्रत्याशी यानी चंद्र प्रकाश और अंगेश कुमार को निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हालांकि तेज प्रताप यादव ये नहीं चाहेंगे कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो बिना किसी सपोर्ट के चुनाव लड़े और बिना किसी दल के थप्पे के चुनाव लड़े। तो ऐसे में दो बातें हो सकती हैं, एक या तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या दूसरा जेपी जनता दल, जिसके तहत लगातार जो खबरें मीडिया में सुर्खियों में चल रही हैं कि वो तेज प्रताप यादव यानी कि जेपी जनता दल ज्वाइन कर सकते हैं आज। और इसी के साथ साथ लालू यादव की इतनी बड़ी विरासत में अब अपना हिस्सा छोड़कर आगे की रणनीति वो तय कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव तुनक मिजाज हैं, ये बातें सब जानते हैं। तेज प्रताप यादव रातों रात डिसीजंस ले लेते हैं और उसमें पीछे नहीं हटते हैं, ये भी सब जानते हैं। कैसे उनकी शादी हुई थी आपको याद होगा, लगभग 1 साल पहले, और 6 महीने बाद ही उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया था। हालांकि तलाक की अर्जी अभी भी कोर्ट में जारी है, इसको लेकर कई डेट्स दिए जा चुके हैं। अमूमन यही फैसला निकल रहा है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव नहीं मानेंगे और वो तलाक लेकर रहेंगे। ऐसे में जब उनके ससुर यानी कि ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय को सारण से पार्टी टिकट दे देती है चुनाव लड़ने के लिए, और ये जो सीट है ये लालू यादव की ट्रेडिशनल सीट है, सिग्नेचर सीट है, यहाँ से लालू परिवार शुरू से चुनाव लड़ता आया है और जीतता है, यहाँ से लालू यादव चुनाव जीते हैं। मगर राबड़ी देवी पिछली बार चुनाव हार गई 2014 में राजीव प्रताप रूढ़ी से, जिसकी वजह से ये सीट उनके हाथ से निकल गई। इस बार कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो सीटों का समीकरण है, खासतौर पर जो जातिगत समीकरण है, इसकी वजह से इस बार फिर से लालू यादव को इस सीट पर फायदा हो सकता है, आरजेडी यहाँ सीट जीत सकती है। मगर ये बातें तेज प्रताप यादव जानते हैं, इसीलिए शायद वो यहाँ से चुनाव खुद लड़ना चाहते हैं और हो सकता है कि आज वो घोषणा कर दे कि मैं अपने ससुर यानी चंद्रिका राय के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। ये बातें एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप यादव के पास अब समय भी बहुत कम बच रहा है। इन दोनों सीटों पर चुनाव यानी कि जहानाबाद और शिवहर पर चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में अपने प्रत्याशियों का नामांकन भी कराना है, और सबसे बड़ी बात कि जो सारण की सीट है इस पर भी खुद उन्हें नामांकन भरना पड़ेगा अगर चुनाव लड़ना है तो। तो बड़ी बात यह है कि लालू यादव के बड़े बेटे कुछ देर बाद अभी से लालटेन छोड़ सकते हैं, ये कयास लगातार मीडिया की सुर्खियों में चल रही हैं। ये कयास भी लगाया जा रहे हैं कि जेपी जनता दल के तहत अपने दो प्रत्याशियों को यानी कि चंद्र प्रकाश और अंगेश कुमार को जहानाबाद और शिवहर से वो चुनाव लड़ाएंगे और खुद सारण से अपने ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ वो चुनाव लड़ सकते। इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, ट्वीट में उन्होंने वो पंक्तियाँ याद दिलाई हैं जो पंक्तियाँ कालजयी हैं,
दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था साधे साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। याद कीजिए ये जो पूरा कविता है ये किसके ऊपर आधारित है, किसको डेडिकेट कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। सीधे सीधी बात की जाए, घुमाकर बात नहीं की जाए, तो ये जो कविता है ये अपने भाई तेजस्वी यादव पर उन्होंने लिखा है कि नाश मनुज पर जब छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मतलब कि जिस तरह से उनके दो उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनकी मांग नहीं मानी गई कि उनके ससुर को टिकट नहीं दिया जाए, इसके अलावा भी कई बातें हैं जिन पर तेज प्रताप यादव अपने पार्टी और परिवार से खफा हैं। ऐसे में ये जो फाइनल ट्वीट उन्होंने कर दिया है ये एक तरह से ऐलान जंग है। अब तेज प्रताप यादव पीछे नहीं हटेंगे, या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर जेपी जनता दल के तहत वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं अपने ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ। साथ ही साथ दोनों सीटों पर जहानाबाद और शिवहर पर अपने दोनों उम्मीदवार चंद्र प्रकाश और अंगेश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार करेंगे। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर, खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।